veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. मैं अभी पहुंच चुका हूं बस स्टेशन पे. ये है पावागढ़ बस स्टेशन. मैं आपको रास्ता दिखाता हूं कि मांची तक का सफर कैसा है. ये देख रहे हो आप माता की पालकी. ऐसे बहुत सारे लोग पालकी लेके जा रहे हैं. यहाँ से भाई बस भी आ सकते हो, प्राइवेट व्हीकल लेके भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बस आती है, तो आपको बड़ौदा से ज़्यादा मिलेगी. और मैं अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से मेरी कार में, यानी मेरी क्रेटा में, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ. और मैं आज सोलो ट्रिप कर रहा हूँ. तो हमारी जो जर्नी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से पावागढ़ की, तो हम ये जर्नी आज स्टार्ट करेंगे. पावागढ़ में आज मैं आपको दिखाऊँगा पावागढ़ का बाज़ार, बस स्टॉप, एंड वहाँ से हम जाएंगे मांची तक. रोपवे की सारी डिटेल आपको मैं दूंगा, और रोपवे की टिकट प्राइस कितनी है, और साथ में रोपवे में आने जाने का कितना खर्चा होता है, और ऊपर रोपवे में जाते उसके बाद कौन कौन सी जगह आती है, और आपको रोपवे से निकल के कितना ऊपर जाना है, और माँ काली के दर्शन करेंगे हम, और फिर वापस नीचे आ जाएंगे और चंपानेर फोर्ट देखने के लिए जाएंगे. वीडियो में बने रहे. वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे.
धर्मशाला है वहाँ पे मैंने पार्क किए है, और पार्किंग की प्राइस कितनी है, और पावागढ़ दिगंबर जैन कोठी नामक धर्मशाला है यहाँ पे मैंने मेरी कार पार्किंग की है, और ये कार पार्किंग की पर्ची आपको साथ में रखनी है, और कार पार्किंग की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ मैंने पे की है। मेरी खुद की कार से मैं माची तक जाने वाला था, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई कि अभी माता जी का त्यौहार चल रहा है, इसकी वजह से वहाँ ऊपर माची तक कोई भी प्राइवेट व्हीकल जाता नहीं, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ पावागढ़ बस स्टॉप पे, और आपको मैं जहाँ से जा रहा हूँ वे मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा बाजार एरिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से एंट्री ली थी पार्किंग की, और मैं बस स्टॉप पे बाद में पहुँचता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने मेरी कार पार्किंग की है दिगंबर जैन धर्मशाला, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नंबर लिख लीजिएगा, और यहाँ से मुझे अंदर जाना है आपको, और तकरीबन 50 मीटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको राइट साइड मुड़ना है, और राइट साइड आप जब घूमोगे तो वहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। बस स्टेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग ऑटो रिक्शास है, तो आप नज़दीक में कहीं भी घूमना है तो यहाँ से आप जा सकते हो, और सामने भी एक और पार्किंग है, लेकिन वो पार्किंग पूरा हाउसफुल हो गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे पार्किंग करने की ज़रूरत पड़ी। तो गाइस एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप अपने साथ जो कुछ भी सामान लेके आए हो, पर्स या लेडीज़ पर्स हो जेंट्स पर्स हो, तो जो कुछ भी आप बैग वगैरह लेके आए हो तो आप संभाल के रखना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे चोरियाँ होती है और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आपका सामान संभाल के रखिएगा। पार्किंग एरिया में जब मैं गया था कि आप अपना वॉलेट वगैरह सब संभाल के रखना, और क्योंकि अभी माता जी का त्यौहार है इसीलिए संभाल के रहना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप माता जी के त्यौहार के टाइम पे आते हो तो आपको आपका प्राइवेट व्हीकल ऊपर लेके नहीं जाने देते हैं, तो माची तक पावागढ़ बस स्टेशन से आप जा सकते हो, और ये एंट्री है, यहाँ से आप पूरा आप बस स्टेशन देख सकते हो। सो गाइस मैं अभी पहुँच चुका हूँ बस स्टेशन पे, और मैं जाने वाला हूँ बस में माची तक, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि माची तक का सफ़र कैसा है। सो गाइस यहाँ पे लाइन में खड़े रहना है हमें सबसे पहले, बिकॉज अब अभी त्यौहार का टाइम है तो इसकी वजह से लाइन लंबी रहती है, और बस स्टॉप पे यहाँ पे हमें लाइन में रुकना पड़ेगा, उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तब अंदर हमको बैठने का मौका मिलेगा। सो अभी मैं बस में बैठ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे का सफ़र माची तक का। तो गाइस अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, और अभी बस चालू हो गई है, निकल रहे हैं।
फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ माची, और यहाँ से मुझे रन पटोले में जाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, आप कार लेके आए हो तो यहाँ पे आपको रोपवे के लिए यानी उड़न खटोला के लिए कार पार्किंग करनी है, और कार पार्किंग करने के बाद वहाँ से भी आप जा सकोगे, और मैं मेरी कार लेके नहीं आया हूँ तो मुझे जाना है इस तरफ। अभी मैं आ चुका हूँ रोपवे के गेट पर, और आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से रोपवे में जाना है। सो उड़न खटोले यानी रोपवे में जाने के लिए यहाँ से आपको जाना है, इतनी बड़ी लंबी लाइन आप देख सकते हो वहाँ तक। बाप जी पर नावे बनो बाटी